नमस्कार दोस्तों, SMTC में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल रूम्स में है, इलेक्ट्रिकल क्लासरूम्स में। आज हम लोग देखते हैं ये स्टूडेंट एलईडी बल्ब का क्लास कर रहे हैं और ये एलईडी बल्ब का क्लास किस तरह करते हैं, प्रैक्टिकल होता है कि नहीं, सारा चीज़ जानते हैं और ये कितना समझ में इन लोग को आया वो देखते हैं। आइए इधर आइए। हम लोग का ये एलईडी बल्ब है, ये एलईडी बल्ब लिख रहा है समझ। तो एलईडी बल्ब में आप लोग यदि कुछ खराबी होता है तो चेक करने आता आप लोग, कैसे चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है और ये किस तरह से काम है। तो आप कहाँ से? हम उड़ीसा से। उड़ीसा से, उड़ीसा रौरकेला। आपको कैसे पता चला कि इधर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होता है? सर मैं यूट्यूब में ऑनलाइन देखा और मैं आया। अच्छा, ऑनलाइन देखे जिसकी वजह से आपको पता चला कि इधर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होता है। जी सर, है ना। तो आज ही हम लोग ये एलईडी बल्ब मान लीजिए आपके पास आया और ये खराब आया जी, यानी एलईडी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा जी। तो इसकी सबसे पहले आप इसको क्या चेक कीजिएगा? सबसे पहले वोल्टेज चेक किया जाएगा कि इसमें आ रहा है कि नहीं। अच्छा, आपका वाला जो बल्ब रहता है इसमें दो चीज होता है, एक होता है आपका एलईडी चिप और सेकंड होता है ये वाला आपका एलईडी ड्राइवर। इसका काम है कि ये जो आपका पीछे से जो आपका एसी आता करें उसको डीसी में कन्वर्ट करना, और ये आपका डीसी कन्वर्ट करता है आपका 120 या 130 मतलब 100 वोल्ट के आसपास में, मतलब ये करता है आपका कन्वर्ट करता है वो भी डीसी में, क्योंकि ये आपका जो एलईडी चिप है इसको चलाने के लिए इसको आपको डीसी वोल्टेज का दरकार होता है, क्योंकि अगर हम उसको एसी वोल्टेज देंगे तो ये आपका जला जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले सीरीज में चेक करेंगे, इधर लगाएंगे और हम लोग को इसके लिए मल्टीमीटर की दरकार होगा, और मल्टीमीटर को हम लोग यहाँ लगाएंगे और मतलब डीसी वोल्ट में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सीरीज करंट लाइन देंगे और यहाँ पर ही मतलब मल्टीमीटर पर डीसी वोल्ट हम लोग चेक करेंगे कितना आ रहा है। अगर वो 100 आ रहा है या 120 130 आसपास आ रहा है तो ठीक बात है, मतलब 100 के आसपास रहना चाहिए। अगर वो मतलब आपका मतलब 10 आ रहा है, 50 आ रहा है तो मतलब गड़बड़ है। अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब आपका कैपेसिटर खराब हो सकता है या आपका जो इंडक्टर कोयल है जिसको हम लोग ड्रम कोयल बोलते हैं वो खराब हो सकता है या ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, वही सब मतलब खराब होता है। ज़्यादातर हम लोग के केसेस में हमें देखा जाता है कि कभी कभी मतलब ये जो आपका जो लाइन का ट्रैक है वो नहीं आता, क्योंकि इसमें फ्यूज लगा हुआ रहता है, वो फ्यूज कट जाता है। इसमें आप जैसे देख रही है रजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम लोग फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर फ्यूजेबल। तो इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर इसे मतलब एक फ्यूज का जिसे काम करता है, इसमें हम लोग लाइन देते हैं और ये आपका सर्किट में लेके जाता है। ये आपका है रेक्टिफायर वाला आपका SMD है, SMD रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर इसे यहाँ लेके आता है, तो ये वाला आपका एक तो माइनस के लिए निकलता है, एक तो प्लस के लिए निकलता है। तो इसमें से इधर आता है, तो इसमें अगर आगे तरफ में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ हुआ तो ये मतलब फ्यूज हो जाएगा, जिसके कारण कि जो लाइन आपका आ रहा है उसको वहीं पर रोक देगा, या यहाँ पर जैसे यहाँ से आपका रेक्टिफायर से भी आपका पास आउट हो जाता है, जैसे यहाँ से करंट इधर आया, इधर से डायरेक्ट सर्किट में गया। अगर वहाँ पर कोई चीज़ आपका शॉर्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कोई कोई कंपोनेंट आपका शॉर्ट हो जाता है, तो वो क्या करेगा कि आपका डायरेक्ट ये आपका इसको MOV बोला जाता है, ये MOV शॉर्ट कर देता है। जैसे कि आपको सर्किट के अंदर में हो सकता है या सर्किट का मतलब ये आपका सर्किट दो टाइप से मतलब बटा हुआ, एक आपका हो गया AC सर्किट मतलब AC तरफ का भाग जहाँ पर AC करंट दिया जाता है, और एक होता है DC तरफ का भाग। तो ये आपका जो DC तरफ का भाग है ये अभी तो ये DC तरफ का भाग में लगा हुआ, ये आपका AC तरफ का भाग में भी लगा जाता है, ये इसका कनेक्शन हमेशा पैरेलल होता है क्योंकि ये शॉर्ट करता है। अब जैसे कि इस तरफ से आपके DC तरफ में अगर कुछ आपका मतलब प्रॉब्लम होगा तो ये शॉर्ट करता है, ये शॉर्ट करेगा तो ये मतलब ऐसे शॉर्ट करेगा कि ये आपका यहाँ पर जो फ्यूजेबल रजिस्टर है ये उड़ जाएगा। अभी देखिए, यदि मान लीजिए कि आपका सही है सब कुछ, ये आपका सब कुछ सही है, वोल्टेज आ रहा है, तो आपको दूसरा खराबी किस में होगा? दूसरा खराबी आपका ये आपका एलईडी चिप में प्रॉब्लम है, एलईडी चिप में, क्योंकि वो आपका वोल्टेज ठीक सप्लाई कर रहा है आपका सर्किट, ये एलईडी चिप में आपको प्रॉब्लम होगा। एलईडी चिप देखिए, ये छोटा छोटा SMD एलईडी लगा हुआ, ये आपको कौन सा कनेक्शन में लगा हुआ है? सीरीज में जी सर। तो यदि इसमें से एक खराब हो जाए तो क्या एलईडी पूरी तरह जलेगा? नहीं सर, नहीं जल सकता, क्योंकि वो एक ही लाइन में लगा हुआ, अगर कहीं से अगर शॉर्ट हो जाता तो, क्योंकि जो आपका एक लाइन है जैसे कि ये तार का एक लाइन है, जैसे कि ये आपका एक तरफ से फ्लो हो रहा है, अगर कहीं पर शॉर्ट होता है तो ये आपका तो कट ही गया, तो इस तरफ से आपका इस तरफ नहीं जा पाएगा, अच्छा, इसकी वजह से नहीं जलता।
यानी आप इसमें कोई भी तरह का खराबी होगा तो आप इसको बना सकते हैं। इसमें कितने तरह का करीब करीब खराबी आता है? इसमें दो टाइप का आता है आपका, एक होता है आपका जहाँ पे आपका डीसी वोल्टेज से होता है उस तरफ से खराबी होता है, और आपका एलईडी मतलब खराब होता है। अच्छा, एलईडी में खराबी होगा। अभी मान लीजिए कि आपका एलईडी बल्ब आपके पास बनने के लिए आया और एलईडी कम ग्लो हो रहा, एकदम धीमी तरह से ग्लो हो रहा, तो क्या खराबी हो सकता है उसमें? आपका कैपेसिटर खराबी हो सकता है, क्योंकि जो आपका कैपेसिटर है वो वोल्टेज को मेंटेन करता है और बढ़ाता है, तब का कैपेसिटर खराब हो सकता है। उसको आप देख के बता सकते हैं कि वो खराब है कि नहीं है, क्योंकि आप उसको फिजिकली देख सकते हैं यहाँ पर। या जैसे कि देखिए ये वाला एक आपका, ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, देखिए आप देख ध्यान से थोड़ा देखेंगे तो ये मतलब ऊपर नीचे मूव हो रहा, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप एक एक करके कैपेसिटर को चेंज करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम हो जी? मेरा नाम कशिश कुमार दास है। आप कहाँ से हैं? सरिया से। अच्छा, आप एलईडी बल्ब का क्लास कर रहे हैं, तो एलईडी बल्ब का क्लास में आपको कितना समझ में आया? सर पूरा समझ आ गया सर। यानी आपके पास यदि एलईडी बल्ब बनने के लिए आता है तो बना लीजिए, यदि सारा कंपोनेंट हम लोग का मार्केट में अवेलेबल हो जाता है तो बना लीजिए, है ना। और हम लोग ये डायग्राम आपको समझ में आया, डायग्राम किस तरह से काम करता है? यस सर। यानी कोई भी सर्किट बनता है तो उसका डायग्राम बनता है। यस। और डायग्राम के हिसाब से आपको ये सर्किट पे डिजाइनिंग किया। तो यदि हम लोग का कोई भी इसमें कंपोनेंट खराब हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका कैपेसिटर खराब हो गया, डायोड खराब हो गया, इंडक्टर कॉइल खराब हो गया, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, MOV खराब हो गया, फ्यूजिबल रेजिस्टर्स खराब हो गया, तो आप कैसे चेक किया जाता है उसको पता है आपको? यस सर। तो यदि ये फ्यूज खराब हो, ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस खराब होगा, तो आप किस मोड में मल्टीमीटर का रख चेक करेंगे? बीप मोड में रख के चेक। अच्छा, बीप मोड पर रख के उसको चेक कीजिएगा, और चेक करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? सर क्या बोलते हैं, रिजल्ट आएगा सर कुछ नहीं आया। अच्छा सर, रेजिस्टेंस आता है। अच्छा, रेजिस्टेंस आएगा। यस। यानी कुछ वैल्यू दिखाएगा, कुछ भी तो सही है। मान लीजिए कुछ भी वैल्यू नहीं दिखा रहा तो गड़बड़ है, यानी ओपन हो गया तो काम नहीं। यस। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एलईडी बल्ब में आप लोग को समझ में आए, आप किसी भी खराबी होता है एलईडी बल्ब में आप तो उसको रिपेयरिंग कर लीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ। अभी हम लोग एलईडी बल्ब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, यानी इसमें हम लोग कैपेसिटर्स, डायोड, IC, MOV, फ्यूज, इंडक्टर सारा मिल के एक सर्किट रेडी किया, समझ रहे बात? और ये DC में काम, AC हम लोग लेके इसको DC में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इस LED बल्ब को DC वोल्टेज का जरूरत होता है तभी ये ग्लो होता है।